हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हमारे पास है पल्सर NS125। हालांकि काफ़ी पहले आ चुकी है ये गाड़ी। आज हम इसका राइड करते हैं और साथ में देखते हैं कि ये किस तरीके का परफॉर्म कर रही है 125 cc के अकॉर्डिंग। हालांकि मैंने इसका रिव्यू ऑलरेडी दे चुका हूँ या फिर ओनरशिप रिव्यू रहा है, बेटर परफॉर्मेंस रहा, पर मैं आज इसको खुद ही चला करके देखना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये वर्क करी है, क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंग और भी गाड़ी आती है मार्केट में। अगर देखा जाए तो NS125 जो कि प्राइस के अकॉर्डिंग भी ज़्यादा इसका प्राइस रखा गया है, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर बाइक रही है ये और काफ़ी ज़्यादा बिक भी रही है। तो आज हम ये देखना चाहते हैं खुद ही राइड करके कि आखिर में कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होगा इसके साथ। अब 125 cc के सेगमेंट में अगर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा प्राइस इसका देखने को मिलता है NS125 का, कि क्या अगर ज़्यादा हमसे पैसा लेती है तो उसके साथ क्वालिटी भी इम्प्रूव है इसके साथ या नहीं। ये गाड़ी प्रोवाइड की है जय हरी ऑटोमोबाइल्स, जो कि मोहम्मदा पूसा में आता है। कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। NS125 है, चलते हैं फिर। मैं देख रहा हूँ उसका जो ग्लास है वो तो काफ़ी कंफर्टेबल है, हालांकि स्पोर्ट बाइक में थोड़ा सा मुश्किल दिखता है मुझे। और N150 में भी मैंने देखा था थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड का तो ऑलरेडी मैं चेक कर चुका हूँ। ग्लास की विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है और आप देख पा रहे होंगे। मैं भी देखता हूँ इसको गियर फिट करने का कोशिश करूँगा मैं, और गियर का जो प्रॉब्लम आती है कुछ गाड़ियों में तो मैं बैक डाउन करने का कोशिश करूँगा। तो जहाँ पे जो है आप देख पा रहे हैं ऑलमोस्ट जो है एक साथ है, एक ही कलच पे मैं गाड़ी कर पा रहा हूँ और काफ़ी हल्की लग रही है। ये रास्ते थोड़ा सा ख़राब देखने को मिलेगा, साथ में हम देखेंगे कि इसका सस्पेंशन वर्क कर रहा है। देख पा रहे हैं इसका सस्पेंशन किस तरीके से ये वर्क कर रही है। फ्रंट आपको ठीक है और रियर में जो है कम रेट आपको मिल जाता है, क्योंकि मुझे रखते थी तो मैं उनको मिलता है हर गाड़ी के साथ। स्लो राइड करूँगा अभी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है रास्ते पर। आप देख पा रहे हैं देख कितना अच्छा वर्क कर रहा है, अभी ड्रॉन ले दिया है अभी तक हम देख पा रहे हैं। ABS नहीं होने के बावजूद भी
रियल टाइम माइलेज आप बहुत सारे कवर करिए। अब हम इसको गियर वाइज सोचा था ये करने के लिए, लेकिन आपके ट्रस्ट के लिए उसके लिए गियर पोजीशन इंडिकेटर है नहीं, तो गियर पोजीशन इंडिकेटर मैं आपको दिखा दूँ उसके लिए, तो मैं बताऊंगा आपको कि एक नंबर में कितनी जा रही है। जैसे ही टैग मिलता है तभी आप देख पाएंगे। अभी मैं ये मैं और अच्छा है कि अगर आप पतीला इलाका में या शहरी में, तो ऐसा नहीं कि गाड़ी आपसे कंट्रोल नहीं होती है, तो मैं इसका टेस्ट करता हूँ। मैंने नोटिस करने का कोशिश करेंगे कि कितना इफेक्ट पड़ता है। अगर मैं एक गियर में इसको लेकर के जाऊंगा टॉप स्पीड में, तब आप देखेंगे कि ये कितना रियल टाइम है, इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बेटा आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे किस कंडीशन में चलानी चाहिए ये गाड़ी, नहीं किसी भी गाड़ी में। पर यहाँ पर अच्छी बात है इसलिए मैं इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइज अगर NS 125 का राइडिंग अगर एक्सपीरियंस की बात कर ले, तो इसका 130 लाख होने के बावजूद भी जो है इसमें ABS नहीं है, जो कि सिंगल डिस्क आपको फ्रंट में देखने को मिलता है और रियर में आपको जो है ड्रम देखने को मिलता है। उसके बाद भी आपने देखा होगा कि मैंने पीछे ब्रेक, मतलब ओनली वन ब्रेक का यूज किया है पीछे का, और उसके बाद भी काफ़ी अच्छे स्लाइड तो करती है क्योंकि RLP सेंसर नहीं है इसके साथ में या ABS नहीं है, तो स्लाइड तो करेगी पर कंट्रोल जो है बेटर तरीके से हो जाता है, वहाँ पे रुक जाता है। ऐसा नहीं कि पीछे का स्लाइड करती तो गाड़ी आपकी जो है कहीं दूसरी जगह बेकाबू होकर के जाती है, तो ये जो है बेटर आपको देखने को मिल जाता है। अगर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में मैंने 90 के स्पीड में भी मैंने इसको ब्रेक करने का कोशिश किया है, तो उस कंडीशन में भी क्या होती है, गाड़ी कभी पीछे से उठती नहीं है, जो कि RLP सेंसर का काम होता है रियर व्हील प्रोटेक्शन प्लेट की, गाड़ी को उठने ना दे, पर यहाँ पे RLP सेंसर नहीं है, उसके बाद भी ये गाड़ी उठती नहीं है। तो ये जो गाड़ी, मतलब इसकी जो रोड परफॉर्मेंस है, रोड पे ग्रिपिंग जो है इसका बेटर मिल जाता है, और 90 के स्पीड में भी अगर आप ब्रेक करते हैं तो गाड़ी आपकी जो है इजी तरीके से रुक जाती है, गाड़ी आपकी स्लाइड नहीं करती। जब रियर ब्रेक लेते तो स्लाइड जरूर करती है पीछे का टायर, पर आगे पे इफेक्ट आपका कंट्रोलिंग में इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर फ्रंट ब्रेक सिर्फ लेते हैं तो वहाँ पे जो आपकी पीछे की भी टायर स्लाइड नहीं करती और आगे की भी स्लाइड नहीं करती है, और वहाँ पे जो है आपको कंट्रोल होती है। तो ये जो है बेटर है यहाँ पे देखा जा सकता है, और नेकेड में है, थोड़ा सा स्पोर्टी लुक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको होगा, पर इसको जो है आप जैसे स्पोर्ट में जब इस तरीके से कहीं भी वन साइड अगर कंट्रोल करते हैं तो थोड़ा सा उस टाइम प्रॉब्लम होगा कम रेडियस में जो है मोड़ने में। जो है बिल्ड क्वालिटी भी आपको बेटर मिल जाती है। अगर ये गाड़ी गिरती भी है तो मैंने एक रिव्यू भी रखा है, डाला है वहाँ पे,
आपके हैंडल बार पे इम्पेक्ट पड़ता है और क्रेस गार्ड और आपका जो फुट रेस्ट है, बाकी आपके गाड़ी के किसी भी बॉडी पे इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये सबसे अच्छी बात है, और ऐसा नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव आता है अगर कभी क्रैश होती है। तो मैंने 60 या 70 के अकॉर्डिंग भी क्रैश गाड़ी को मैंने देखा है, जिसमें ओनली वन जो है 1000 से 1500 के समथिंग जो है जो एक्सपेंस आता है, जो कि आपके क्रेस गार्ड थोड़ा सा मुड़ जाता है या तो फिर आपका जो ब्रेक है फुट रेस्ट वो आपको थोड़ा सा नुकसान होता है। ये तो ये आपका टोटल इम्पेक्ट ये ले लेती है और ये ले लेती है। इस गाड़ी में सबसे अच्छी बात है कि लेने के लिए आप ले लेते हैं। माइलेज की बात रही तो माइलेज मैं ऑलरेडी इसका टेस्ट कर लूँगा, कल देखता हूँ मैं, नेक्स्ट वीडियो में मेरा माइलेज टेस्ट हो जाएगा तो उसमें मैं बता दूंगा कि इसका माइलेज क्या मिल जाता है। तो बाकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत सही है 130 के अकॉर्डिंग अगर देखते भी है। तो अगर बजाज की कोई भी बाइक लेते हैं जय हरी ऑटोमोबाइल से, तो यहाँ पे आपको जो है हेलमेट और ये डिग्गी एक कंपलसरी मिलेगी ही, और स्क्रेच कूपन में आप ये सब आइटम है जो कि काफ़ी कॉस्टली आइटम भी बोल सकते हैं, आयरन आपको मिल जाता है, इस तरीके का आइटम जो है स्क्रेच कूपन में कोई भी एक आइटम इसमें से मिल जाएगा, और हेलमेट और डिग्गी आपका कंपलसरी है। और अगर अग्रिम बुकिंग कराते हैं आप तो एक जो है सिल्वर का सिक्का, मतलब चांदी का जो सिक्का बोलते हैं 10 ग्राम का, वो आपको एक उपहार में दिया जाएगा। इस तरीके का राइडिंग एक्सपीरियंस रहा है मेरा NS125 से रिलेटेड। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिए।